टाई भी नहीं मारूंगा एंड आई फोकस टू ट्रेन माय लैट्स एंड मिडिल बैक। तो आज हम हाइपरट्रॉफी वर्कआउट करेंगे। अगर इसको पता नहीं कि हाइपरट्रॉफी वर्कआउट क्या होता है तो वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ हाइपरट्रॉफी हेल्प्स टू बिल्ड मोर मसल। तो आज मजा आएगा। तो भाई कैसे हो? बढ़िया हुआ है। देखो आज एक नया ब्लॉग शूट हो रहा है, ठीक है? आज एक नया ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो तुम मेरे ब्लॉग में आने वाले हो। पिछले ब्लॉग में शंभू आया था। तो अगर इनका नाम है प्रमोद एंड ही इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड करेंटली ही इज ऑन गेनिंग फेज। इनकी टैटू देख रहे हैं आप? टैटू देखिए। प्रमोद आइए बताओ आज क्या करेंगे? आज बैक, लेकिन आज डेडलिफ्ट नहीं मारेंगे, आज बैक प्रॉपर ट्रेन करेंगे आज, ठीक है? तो बेसिकली हमारे बैक मसल में 40 टाइप के मसल्स होते हैं बट जो मेजर मसल होते हैं वो 5 होते हैं। तो हमारा जो पहला मसल है ट्रेपीजियस, दूसरा लैटिसमस, तीसरा रेमबॉइड, माइनर, मेजर और बहुत सारे मसल होते हैं। तो आज हम इन्हीं 4 या 5 मसल को ट्रेन करेंगे एंड हम वर्कआउट में कुछ वेरिएशन करेंगे एंड टुडे वी आर नॉट डूइंग डेडलिफ्ट बिकॉज डेडलिफ्ट में बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है और बहुत ही एग्जॉस्टफुल हो जाता है। तो इसमें तकरीबन 40 से 45 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो टुडे वी आर नॉट डूइंग डेडलिफ्ट, आज पूरा बैक शूट। लैट पुल डाउन के 2 सेट्स कम्प्लीट हो चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट सेट और ये सबसे हैवी होगा एंड यू कैन सी माय पंप, बॉडी पंप हो चुकी है, अब मज़ा आने वाला है। चौथा सेट था वो काफ़ी हैवी था बिकॉज हमें मसल को भी शॉक करना था, अगर हैवी ट्रेन नहीं करेंगे तो मसल शॉक नहीं होगा और हम हाइपरट्रॉफी वर्कआउट कर रहे हैं तो वेट इंक्रीज करना इज़ कंपल्सरी। मेजर और माइनर को ट्रेन करने के लिए हम सुपर सेट करेंगे। पहला जो सेट रहेगा हमारा टी बार रहेगा जो कि हमने लगा दिया यहाँ पे और सुपर सेट विथ बेंड ओवर रो। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर इसमें दोनों टेबल जाएगा तो टी बार रो में हम हैवी जाएंगे पर सेट और बैंड ओवर रो में हम वेट कॉन्स्टेंट रखेंगे और रेपिटेशन ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमारा सेकंड वर्कआउट। We'll be right back.
find a way to run from the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. लैट पुल ऑन किया, रोमबॉइड माइनर एंड मेजर किया. अब हम करेंगे डंबल रो सिंगल हैंड और इसमें हम हैवी जाएंगे 8 to 12 रेप्स. तो हमारा वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं रिकवरी के लिए कुछ हेल्दी मील बनाऊंगा. तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं क्या बनाने वाला हूं. तो गाइस, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हमें चाहिए पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए. तो जो हमारा प्रोटीन सोर्स है वो हमारे एग्स है, और जो हमारा कार्ब है, कार्ब हम कुछ भी ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, एनीथिंग. और फॉर फैट मैं देसी घी ले रहा हूँ, इसमें हेल्दी फैट होते हैं. तो आई कैन यूज़ दिस टू मेक एग ऑमलेट. अगर आप चाहें तो बॉयल्ड अंडा भी खा सकते हैं, बॉयल्ड इज ऑल्सो गुड. और फाइबर के लिए कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल. तो बनाने से पहले हम अंडे को तोड़ लेते हैं, पहले सारे अंडे तोड़ लेते हैं. और वन थिंग, योक हमें बस दो ही खाना है, बिकॉज योक में कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट होता है और बहुत गर्मी होती है. तो दो से ज़्यादा हमें नहीं खाना है. अगर दो से ज़्यादा हम खाते हैं तो कैलोरीज भी बढ़ जाएगा और गर्मी बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे ये होंगे कि दाने निकलने लगेंगे. जिसको गर्मी नहीं होता है, मतलब जिसको गर्मी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करने के लिए दो योक इज इनफ. सारा तोड़ने के बाद जरा इधर ये कहना है, मैंने सारा तोड़ लिया है. आपको दिख रहा होगा ये अंडे, इसमें हमें 5 योक दिख रहे हैं. नहीं नहीं, है तो 6 योक, बट एक योक वो फैल गया है. तो हमें क्या करना है, 2 योक चाहिए तो हमें 4 योक को निकालना पड़ेगा. और इसके लिए हमें निंजा टेक्निक अपनानी पड़ेगी. तो निंजा टेक्निक क्या है, देर आर सेवरल वेज आप इसको निकाल सकते हैं. पहला तो आप चम्मच से निकाल लीजिए. दूसरा, अगर आपको प्रिसाइजली निकालना है तो आई कैन यूज बोटल. मैं तो दिखाता हूँ. जब कहा गया बोटल,
गया है, हम बताएंगे कि इसको इसकी हेल्प से हम कैसे योग निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसको प्रेस करना है, जो योग पकड़ना है ऐसे और छोड़ देना है। तो ये हमारे निंजा टेक्निक से योग निकल गया। ऐसे ही हम सारे ऐड कर लेंगे, प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे। ये देख रहे हैं, व्हाट अ निंजा टेक्निक मैन। ये देखिए, यू कैन सी दैट दिस इज निंजा टेक्निक। पैन रखने के बाद विल पुट सम देसी घी और हेल्दी फैट्स, अच्छे से पूरे पैन में कवर कर देना है ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो परफेक्ट पके और चिपके ना। 2 मिनट छोड़ने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे अपना एंड डोंट मेक फ्लेम फुल हाई, बिकॉज अगर आप फ्लेम को पूरा हाई रखते हैं तो जो आपका एक ऑमलेट है वो नीचे से बर्न हो जाएगा। फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम से थोड़ा सा लो रखना है ताकि कुकिंग में हमारा अच्छे से पके। एंड फॉर स्पाइसेस आई एम गोइंग टू यूज पेरी पेरी चिकन, बस इसको मैं अराउंड 10 मिनट्स कुक करने हैं एंड देन वी आर रेडी टू गो। हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। मेरा पोस्ट अकाउंट भी तैयार हो चुका है, इसके बाद मैं चिकन बनाऊंगा, चिकन ब्रेस्ट, और उसकी रेसिपी मैं यहाँ पोस्ट कर दूँगा। तो देखिएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, बाय।